वो हमेशा मुझे कहती थी शादी से पहले भी, मैं छोटी थी, मैं हाजी अली जाऊंगी, मैं हाजी अली जाना चाहती हूँ। अपने पूरा लाइफ हमारे ऊपर ही यू नो खर्च कर दी कि भाई बस कमाना है, बच्चों को पूरा करना है, बच्चों को घुमाना है। मयंक आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ये मेरा फ्रॉक बन जाए। मॉर्निंग गाइज, तो ब्लॉग में कल के ब्लॉग में देखा था मम्मी और मयंक हम सब गए थे जुहू बीच, मम्मी का एक्सीडेंट होते होते बचा, लाइक मम्मी खुशबू दीदी एंड कौन था मयंक और लास्ट में पापा, ये सब पानी के बीचों बीच समुद्र में गिरते गिरते बचे, हम लोगों का हाथ ऐसा स्लिप डाउन हो गया था। तो व्लॉग में देख सकते हो आप, फहीम का भी व्लॉग देख सकते हो, खुशबू दीदी ने भी शूट किया एंड मयंक के व्लॉग में भी देख सकते हो। तो आज हम जा रहे हैं हाजी अली, कहते हैं ना कि आपको जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हो, तो इस बार बुलावा आया है हम सब का, तो हम सब जा रहे हैं हाजी अली के लिए तैयार हो रहे हैं। कल हमारी फ्लाइट थी, कल ही हम वापस आए और आज हम नेक्स्ट डे ही निकल रहे हैं क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ पे। इसको इतना पसंद है ना चाय पराठा, इतना पसंद है कि आप कुछ मत दो, हर टाइप के पराठे चल जाएंगे, चाय हर टाइप के चल जाएंगे, प्लेन प्लेन थोड़े चलते हैं, प्लेन भी खाता है, प्लेन पराठा किसने बोला दुनिया में लोग प्लेन पराठा नहीं खाते। पापा कॉम्बिनेशन तो भयंकर है, पानी भी अच्छा है जिस मर्जी में डूबो जाओ। मम्मी कैसा लगा आपको मुंबई का वड़ा पाव? बहुत अच्छा। क्या कोई बुरी भी लगती है चीज? पहली बार खा रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, यू आर एंजॉयिंग वड़ा पाव। पापा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कटपट से तो बिजनेस खोल लें हम वड़ा पाव का। हाँ हाँ बिल्कुल, दिल्ली में खोल लो, दिल्ली में तो पापा मैं दिल्ली वाली हूँ ना, वहीं के खोलूंगी। पापा वहाँ पे नया स्टॉल लगाने वाले हैं, मुंबई में इतना कमाएगी नहीं जितना किराया दे देगी। दिल्ली में तो कमा लेंगे यार, दिल्ली में कमा लेगी, यहाँ तो किराया इतना है कि कमाएगी नहीं जितना किराया देगी। गाइस अभी अभी हमारे यहाँ एक बिजनेस प्लान आया है, हम मुंबई में वड़ा पाव का स्टॉल खुद लाइए मतलब बिजनेस प्लान आया है कि ना मैं मुंबई में मुंबई वड़ा पाव के नाम से एक स्टॉल खोलने वाली हूँ। प्लीज़ गाइस डू कम एंड विजिट करना शायस्टर्स दी मुंबई वड़ा पाव। मैं वड़ा बनाऊंगी और उसमें पाव मयंक भरता जाएगा, मयंक बेचेगा शायद। हाँ तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बहुत सही चलेगा यार, लोगों को खाने का तो शौक है ही, लाइक आएंगे। सस्ता चीज तो ऐसे ही लोग प्रेफर करते हैं। वहां पे पता कितने का मिलता है वड़ा पाव डेली में? 25 रुपए का। तो हम सब निकल गए हैं, जीजू के एक्चुअली अभी शिफ्ट है तो दीदी जा नहीं सकती, इसलिए दीदी अभी रुकी हुई है, जीजू जॉब के लिए रेडी होंगे, उनको बाय करेंगी, फिर हम उन्हें शायद थोड़ी देर बाद बुलाएंगे, ये आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, क्योंकि कह रही थी क्रिस्टी को हमने अभी खाना भी नहीं दिया, मेरा पूरा सब कुछ फैला हुआ है। मैंने नीचे कैब बुक कर दी है। ओके, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल बीबा का कुर्ता गाइस, ओह माय गॉड दिस इज ब्यूटिफुल एंड द ट्राउजर इज आल्सो फ्रॉम बीबा। ओके, तो ये कुर्ता सेट मैंने लिया था, इसीलिए लिया था, और ये सेम कुर्ता मैं बताऊँ मैंने मम्मी को गिफ्ट किया था, यानी सासू माँ को, और वो यही मुंबई लास्ट टाइम छोड़ के चली गई थी, तब मैं लेके जाऊँगी उनके कुछ कपड़े। हमारा मेन मकसद ही मुंबई आने का, हाजी अली का कल का टाइम हमारे पास और है, हम परसों चले जाएंगे, परसों की भाई बैक टू दिल्ली फ्लाइट है। पिछली बार लोग बोल रहे थे ना काफी हाजी अली नहीं आए थे, हाँ इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि एक्चुअली कोई तो बुलावा भी नहीं था, कुछ रीजंस थे मेरे, और दूसरी चीज मम्मी पापा का बहुत टाइम से, स्पेशली मेरी जो मम्मी बैठी है वो, हाँ, वो हमेशा मुझे कहती थी शादी से पहले भी, मैं छोटी थी, मैं हाजी अली जाऊंगी, मैं हाजी अली जाना चाहती हूँ, और यार बोलती हूँ कि मेरी आप तमन्ना मेरा पूरा हो गया, मेरी माँ की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई, तो बेटी दमाद लेके आ गई, मेरी बेटी दमाद ले गया। तो मम्मी मैं बहुत साल पहले जब कॉलेज में थी ना तब मैं आई थी, ऐसे 12 साल पहले 2013 में या 12 में मैं आई थी हाजी अली, तब मम्मी ने कहा था कि काश मैं भी कभी जाऊँ, तो मैंने बोला कि जब हम लोग आए मैंने तभी दिमाग में बैठा लिया था कि नहीं मैं लेके आऊँगी आप लोगों को, और इसलिए फिर हम लोगों ने उसी फ्लाइट की बुकिंग वगैरह कर ली। अब मम्मी फाइनली हाजी अली हम जा रहे हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, पापा भी इस बहाने आ गए, कभी पापा घूमने गए ही नहीं, उनकी लाइफ टाइम सर्व किया सिर्फ हमारे लिए। हाँ बोलो पापा। हाँ 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 एक बार जब अजमेर गए थे तो भी पापा नहीं आए थे, कहते नहीं तुम लोग जाओ मैं घर पे रहूँगा, नहीं गए पापा अजमेर, पापा कभी नहीं जाते, पापा ने पूरा लाइफ हमारे ऊपर ही यू नो खर्च कर दी कि भाई बस कमाना है, बच्चों को पूरा करना है, बच्चों को घुमाना है,
तो बच्चों का फर्ज है ना, अब आपको घुमाना। जब मैं पिछली बार आई थी तो ये जितना एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कि पूरा एरिया एकदम एग्जैक्टली से पानी से भरा हुआ था और हमें अलाउड भी नहीं था, इतना नीचे था कि आप नीचे देखो। बट अब इस बार आ रही हूँ 9-10 साल के बाद, तो यहाँ तो सारे नज़ारे ही अलग अलग, ये सारा एरिया जो हर जगह सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है, पानी ख़त्म हो गया। ओके, तो हमने तबर्रुक ले लिया है, तबर्रुक एज इन चादर और जो भी चीज़ें हमें चढ़ानी है वो ले लिया है। थोड़ा सा डिस्टेंस है, 200-300 मीटर ऐसे वॉक करके, और सामने ही दरगाह है। आई एम हैप्पी कि यू नो जब बुलावा आता है उससे पहले आप जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ कि फाइनली मैंने जो आज से 9 साल पहले जो भी चीज़ें मांगी थी उसका अब टाइम आ गया है कि जुमा की सॉरी जोहर की नमाज में मिल गई है, क्योंकि हम जब आए तभी अजान हुई थी। अब सब लोगों ने ज़ियारत कर ली है, पीछे बैक साइड पे ना यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू है गाइस, पूरी लहरें चट्टाने सब कुछ है। खैर कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को रोका हुआ है, तो लोग यहाँ पे फोटो पिक्चर्स क्लिक कराने आए हैं। तो हमने सोचा कि हम आए तो मम्मी पापा फहीम को ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लास्ट टाइम मैं सिर्फ ऊपर से यहाँ के नज़ारे देख रही थी, इस टाइम तो पता नहीं समुद्र के बिल्कुल क्लोज आ गए यार चल के। यहाँ पे ना पत्थरों में सी बहुत पहले यू नो बहुत डीप सी में रहते होंगे ये पत्थर, तो इनमें शेल्स चिपके हुए हैं। लुक एट दिस, ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ये सारे शेल्स हैं इस तरीके के, इसमें स्टिक हो रखे हैं, बहुत सुंदर है। ये गर्म है, पानी ठंडा है। पहले काफ़ी ज़्यादा मैंने खुले पैसे इकट्ठा कर रखे थे, तो दरगाह के बाहर हम जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने सबको चले 4-5 सारा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और तो इस टाइम पे भी आया ना इसलिए भी। अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, जैसे हम बताते हैं प्लानिंग करके आते हैं कम टाइम पे आते हैं, तो हम चलो नहीं भी देखेंगे देख भी लेंगे, पर मम्मी पापा फहीम दोबारा नहीं वापस आ पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि घुमा देते हैं। तो हम और हम मरीन ड्राइव की रोड से जा रहे हैं। पापा वो गाना नहीं है, वो मूवी कौन सी थी, अरे नहीं आशिकी 2 अरे यार मरीन ड्राइव कहाँ पर है, तू मेरी जिंदगी है, सुना है ना, उसमें जो कॉलेज का सीन है वो इधर मरीन ड्राइव के पास एक कॉलेज है उसमें शूट हुआ था, बताया गया था हमको। सो मरीन ड्राइव का रोड भी देख लेंगे, पापा हमें आने की जरूरत पड़ेगी। एंड गेटवे ऑफ इंडिया हम जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि दिखाना चाहती हूँ मैं, और फहीम कह रहा था मैं देखना चाहता हूँ कितना सिमिलर दिखता है। अभी जस्ट हमने देखा है अंबानी का घर, अच्छा लग रहा है, इंडिया गेट कह रही है जैसा लग रहा है इंडिया गेट है, नहीं भैया फोटोज नहीं चाहिए। मैंने कहा जस्ट इनको एक बार गेटवे ऑफ इंडिया दिखा दें, कभी गई तो किसी को बोल सकेंगी ना कि हमने गेटवे ऑफ इंडिया दिखा है, कुछ पिक्चर्स एंड दैट्स इट। अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग करेंगे, नहीं तो हम घर वापस जाएंगे, बिकॉज 4:00 गाइस बहुत टाइम हो गया है। इंस्टेंट फोन वाले पिक्चर्स प्रिंट करके हमें दे दी, पर इसको ड्राई होने के लिए टाइम चाहिए, मतलब मम्मी पापा की मेमोरी के लिए। और एक और है गेटवे ऑफ इंडिया की, ये देखो ये ताज होटल, पापा को पता ही नहीं था तो इसलिए दूसरी प्रिंट हो रही है, दूसरी प्रिंट हो रही है मम्मी, दूसरी प्रिंट हो रही है, निकल रही निकल रही, आ गई आ गई आ गई, जल्दी खींच लो सर, खींच लो जल्दी खींच लो। अरे सर फहीम भी है, ओ भाई तू भी है इसमें, शादी के बाद तो वैसे तू हो गई नहीं, तो हमने कहा चल ले लेते हैं। तू ऐसे क्यों, मैं कहां जा रहा हूं, मैं अपने साथ घूमेगा, बीवी के साथ घूमेगा तू, मैं ऐसे क्या बीवी को लेके साथ मम्मी पापा घूमूंगा, यही से तो ये शिप पे देखो, इसमें तो घूम आते हैं ठीक है। और अभी बात करते हैं, आ जाओ
चलो बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमा दिया तुमने। इसमें चलना है मुझे, इसमें भैया सेफ तो है ना? सेफ है, मम्मी बहुत ज़्यादा डरते हैं। हो गया, पे कर दिया हमने आपको, चलो। ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस जो हम करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं स्पीड बोट में, हमने अपनी प्राइवेट स्पीड बोट बुक करी है, तो आई एम तो एक्साइटेड एंड फैमिली वाले भी बहुत एक्साइटेड होंगे। लेट्स गो। जाओ पापा, चलो शायद, चलो 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 चलो, फोन में थोड़ा देना बस। वेल भाई, वेल इतनी पास थोड़ी ना आएगी भाई, आ जाती कभी कभी। अरे भाई इतनी बड़ी चीज यहाँ कैसे आएगी भाई, बताइए इतनी गहराई थोड़ी ना कि वेल आ जाएगी। एक तो मेरा साला है ना भाई, इससे क्वेश्चन इतने अलग होते हैं ना, इतने अलग क्वेश्चन हैं इसके, पूछा टटके कोने पे वेल आ जाती है। चलो कोई नहीं, बढ़िया, बाकी मौसम बड़ा अच्छा है, चलते रहोगे, हवा चलती रहेगी, जहाँ रुक गए वहाँ गर्मी से परेशान हो जाओगे, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है अभी घूमने। अगर कोई आना चाहता मुंबई तो बिल्कुल भी अभी वेदर सूटेबल नहीं है, या तो बारिश में हो या तो आओ फिर नवंबर दिसंबर में। तो शायद इधर आओ, पिछले तुम आए थे, एलिफेंटा केव कहाँ है? एलिफेंटा केव शायद वो है, उस साइड ही होना चाहिए। एलिफेंटा केव वो है, उसके पीछे है शायद। एलिफेंटा केव, एलिफेंटा ये सामने दिख रहे वो है ना, एलिफेंटा केव है ना, वही वही है। अरे नहीं नहीं, वो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इसमें लोग फंसे हैं, टापू। हाँ उधर तीन गांव है पूरे, उसमें इसमें तो ये नेबी का ये जवाल, ये साइड में नेबी का पूरा रहता है। इतना प्यारा एक्सपीरियंस है इस बोट का, मैं यॉट में भी एक बार जरूर बैठूंगी नेक्स्ट टाइम कभी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा व्यू मिला हम लोगों को, मम्मी ने बहुत इंजॉय किया। हमारी हाफ एन आवर की राइड थी, वो फिनिश हो गई है ऑलमोस्ट। मैं 418 में हमने स्टार्ट किया था, बड़ी जल्दी छीटे आ रहे फेस पे, और अब हम वापस घर के लिए जाएंगे। अब भूख लगी, कुछ खाएंगे। बहुत सुंदर व्यू है, मैंने कुछ रील्स एंड फोटोज लिए हमने, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ताकि आप देख पाओ। ओके, A few moments later. मैं को मैंने बोला है मैं दूध लेके आ जाऊँ, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। दीदी नहा सो रही थी जब हम अभी घर पहुँचे हैं, मैं नीचे ये बस चढ़ ही रहा था, तो मैंने कहा प्लीज़ दूध लेके आ जाओ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ दीदी के लिए। मैं ये टेबल मैट लाई थी, लेकिन नो दस्तरखान की तरह यूज़ होता है, एक्चुअली दस्तरखान ही है, बट आप अपने अलग अलग यूज़ कर सकते हो। तो दीदी ने कहा छोटा निकल गया, मेरे को लगा यार इतना बड़ा तो होगा, हमारे उधर हमने लिया था इससे काफ़ी बड़ा हमारा गोल्डन वाला। तो मैं भी चेंज करती हूँ, मम्मी को मुझे यहाँ की मार्केट है दादर मार्केट, कोलाबा में नहीं जा रही हूँ इस बार। मुझे दो तीन लोग मिल गए थे यहाँ भी, शाय फैम, और आप फहीम के ब्लॉग में देख सकते हो, उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, फहीम कर रहा था तो उसने शूट करा। हाय यार आप लोग भी मुझे प्यार दे दो ना, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो थोड़ा लिहाज मोहब्बत कुछ है मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या सोचा? नहीं सोचते। इधर तो आ, मैं जा रही हूँ। मैं तो पूछते तक नहीं हो कि कैब मिल गई नहीं मिली, कितना लेट होगी, कितना टेंशन है, कुछ भी नहीं पूछते। कॉल तो किए यार, एक कॉल, एक कॉल है, एक कॉल, पानी देखो पानी, चार कॉल किए आज हो गई। मैं आपसे नाराज हूँ, मैंने चार कॉल की है, मैंने चार कॉल की है। नहीं आज एसी की हवा तुम्हारे लिए ऐसे चला रखा था, एसी के वजह से नाक में बाल जा रहे, गुदगुदी हो रही है। मैं आ गई, मैं ना अभी अभी मार्केट से आई हूँ दादर मार्केट। ओह माय गॉड, मैंने आपके लिए भी कुछ लिया है, मेरे लिए तो कैसे लिया? मम्मी ने मायशू के लिए, मम्मी ने भाभियों के लिए, बच्चों के लिए, मैंने आपके लिए, बताओ। बस पापा के लिए, फहीम के लिए नहीं मिला, बाकी सबके लिए कुछ ना। चलो निकल था तेरे लिए, कल निकल लेके आई हूँ ना मैं। भाई देख किस्त की कीमत नहीं देखते, ये देखते हैं कि इंसान ने आपके लिए सोचा, सोचा कोई मैटर करता है ना। आज दिखाती हूँ शॉपिंग, दिखाती हूँ यार इतनी जल्दी वाली टाइम, बेबी यार प्लीज आ जाओ यार, यही प्यार है आपका। मैं बाय, तू मुझे ये बता भाभियाँ कितनी तेरी? अच्छा वही तो है, मैं कितनी भाभियाँ चाहते हो मेरी? ₹500, ₹150, ₹150, ₹300, ₹250, ₹300, ₹250, ₹200 के कुर्ते, दो पैसा पैजामे। मैं इनके लिए दिखाती हूँ अच्छा लेके आई हूँ, तब मस्त और इतना बड़ा साइज का लेके आई हूँ, आयशो को मम्मी ने दिलाई है, ठीक है? क्यूट है ना। और ये मैंने आपके लिए लिया, मैं ये सब नहीं पहनती, एक्सक्यूज मी, ये तो मेरी है, ये कलर मेरा था, वो ड्रेस मैंने आपके लिए, और वो आपको बहुत पसंद आएगी।
ये भी आपको पसंद आती है तो आप ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिटिंग प्रॉब्लम। हाँ तो वो देखो, इसीलिए तो उन्होंने मैं साइजेस के लिए पूछ लिया था, तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए जिसमें मुझे ये बहुत प्यारा लगा। अच्छा है, है ना? मैंने बोला दीदी टी शर्ट के साथ पहन लेंगे, अदरवाइज स्ट्रैपी भी पहन सकते हैं। स्ट्रैपी पहन लेंगे टी शर्ट के साथ। खुशबू दीदी, अरे दीदी ये जीजू, दीदी की ड्रेस देखो पहले। क्या जीजू नहीं है, तुम्हारे जीजू हैं। पहले ड्रेस देखो अपनी बीबी की, ये देखो ना, पहनने के बाद देखेंगे। अच्छी है, कितनी की है? क्या बताओ, मैंने माइशु के लिए लिया है, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। अच्छा वो बैग भी है, ये देखना दीदी, दिस इज सो क्यूट। ऊपर स्ट्रैप्स है, नीचे जंपसूट है जो आपका आज मुझे दे रहे थे पहनने के लिए। अच्छा, अरे का माइशु गर्मी में घर में पहन सकती है, क्यूट है ना? खैर ये मेरे लिए लाइए, माइशु का, ये तो माइशु का है। बेबी पापा आपके लिए कुछ नहीं लाई, वहाँ मिला नहीं, हमने बहुत अच्छा सा पजामा देखा, बहुत ढूंढा, निक्कर थे पजामे नहीं थे, तो मैंने माइंग के लिए डबल ट्रिपल एक्सल के निक्कर माथा सो मेरे पति के कच्छों पे, इसीलिए ये जो कलर है ना कपड़े, ये मेरा फ्रॉक बन जाए। माया नंदू सबका बंधु यार, लेकिन मैं क्या करूं दीदी, मेरे को कुछ और समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा महंगे कंफर्टेबल महंगे पहनेगा, नंदू सबका बंधु, जल्दी आओ देखते हैं लेकर अच्छे लाइए, नंदू सबका बंधु। अरे वाह मजा आएगा, दे यार अभी बैठ के जाऊंगा। बड़े साइजेस लिए हैं मैंने, आपके लिए फटेंगे नहीं। ये भी है कलर, एक राउंड के बाद बदलूंगा, हर राउंड के बाद अच्छा बदलूंगा। मजाक मत बनाओ मेरा, बता रही हूं मैं। वाह तू तो बिल्कुल इलाज है सभी मम्मी सब, नीचे नीचे छत हिल रही है, नीचे यार मेरी तो ड्रेस बन जाएगी, क्यों मेरी बेइज्जती कर। ये चारों भतीजियों के लिए है। अच्छा यार इतनी सुंदर, मैंने उनसे बोला भैया थोड़ी और बड़ी दे दो, मैं अपने लिए भी ले लूंगी, बहुत पसंद आई मुझे। है पापा प्यारी है ना स्कर्ट। एक बजे 12:20 पे तो खाना खाने जा रहे हैं, मतलब इनके लिए बैडमिंटन इज लाइफ, इसलिए नाराज हो नहीं? अच्छा ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, अभी तक कल का डोज डिसाइडेड नहीं है। RR मूवी रिलीज हुई है, ट्रिपल R मतलब, और हम मुंबई में प्लान कर रहे हैं कि हम उसे देख के आए, क्योंकि कल 27 हो जाएगी। यार यहाँ देखने आएंगे, तो हम यहाँ मूवी का प्लान कर रहे हैं, कल देखते हैं क्या है। व्लॉग अगर करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आगे देखने को मिलेगा। चिल्ड्रन बाय गाइस, आई एम सुपर टायर्ड। ओके बाय, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।